हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्नू स्टडी अड्डा। आज हम बात करेंगे एमसीएस 021, जो कि बीसीए थर्ड सेम एमसीए सेकंड सेम का सब्जेक्ट है, डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। सो आज हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो भी मैंने इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो चारों ब्लॉक में से हैं। और इट इज़ वेरी गुड थिंग कि हमारे जो भी मैंने पिछले वीडियो बनाई हैं इको की या नेटवर्किंग की, सो उसमें से अबव 80% आ रहे हैं इग्नू के एग्ज़ाम में। सो इट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर अस एंड ऑल्सो फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स एंड ऑल्सो लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, What is an AVL tree? Explain the balancing method of an AVL tree with an example. ये AVL tree पे और भी similar questions देता है, वो भी मैंने इसमें include किया है। जैसे explain the types of rotation performed on AVL tree with an example of each. Then the similar question of AVL tree is that. Another one is, define height balance tree. Write any two applications of AVL tree. देन हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम डेट एक्सेप्ट टू पॉलिनोमियल एज इनपुट एंड प्रिंट द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल ड्यू टू द एडिशन ऑफ इनपुट पॉलिनोमियल। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ स्पार्स मैट्रिक्स? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन? Write an algorithm for the addition of two sparse matrix. या दूसरा क्वेश्चन वो देता है स्पार्स मैट्रिक्स पे, डिफाइन स्पार्स मैट्रिक्स। राइट एन एल्गोरिदम डेट एक्सेप्ट अ 3x5 ऑर्डर स्पार्स मैट्रिक्स एंड आउटपुट इन द 3-tuple रिप्रेजेंटेशन। फिर दोस्तों, डीएस के पेपर में एल्गोरिदम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो मैंने इसमें दोनों एल्गोरिदम के क्वेश्चंस डाले हैं। एक्सप्लेन दिक्स्त्रा एल्गोरिदम विद एन एग्जांपल, एक्सप्लेन क्रुशकल एल्गोरिदम विद एन एग्जांपल। देन हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, राइट प्रिम्स एल्गोरिदम फॉर कंस्ट्रक्टिंग मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री एंड ट्रेस द एल्गोरिदम फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। एक ग्राफ है और आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनानी है। देन एट्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर रेड ब्लैक ट्रीज? व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस? एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लैक ट्री। या सिमिलर क्वेश्चन आता है रेड ब्लैक ट्री पे, राइट एन एल्गोरिदम फॉर इंसर्टिंग अ नोड इन अ रेड ब्लैक ट्री। राइट स्टेप्स बाय स्टेप्स वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम यूजिंग एन एग्जाम्पल। देन हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ एन AVL ट्री बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर 1x1। आपको एक AVL ट्री ड्रॉ करनी है, देन उसमें इंसर्ट करना है एलिमेंट्स को जो कि मैंने दे रखे हैं। तो ऐसे दोस्तों, इसके जो डिजिट्स हैं मे बी वो डिफरेंट आए, बट मेथड सेम होगा AVL ट्री बनाने का। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखा गया है। फिर हमारा टेंथ क्वेश्चन आता है, राइट एन एल्गोरिदम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेप्थ फर्स्ट सर्च ब्रेथ फर्स्ट सर्च। देन हमारा इलेवेंथ क्वेश्चन है, डिफाइन हैश फंक्शन, एक्सप्लेन कोलिजन रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज। देन हमारा ट्वेल्थ क्वेश्चन है, राइट द एल्गोरिदम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ट्रावर्सल, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। देन हमारा 13th क्वेश्चन है, प्रूफ बाय इंडक्शन दैट, फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री? व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस? देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लीव्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच आर लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर एच। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नोड्स इन अ फुल बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच आर इक्वल टू 2 की पावर h+1-1। देन हमारा 14th क्वेश्चन है दोस्तों,
What is splay tree? Write the steps involved in a top-down splaying procedure. How does it differ from a tree? Then our 15th question is, write the algorithm for inserting and deleting elements in a singly linked list. या सिंगल लिंक लिस्ट पे और भी क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली क्यूज पे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो आप लिंक लिस्ट सही से कर लीजिएगा तीनों, सिंगल, डबल एंड सर्कुलर, क्योंकि विदाउट सिंगल लिस्ट आप सॉरी विदाउट लिस्ट लिंक लिस्ट आप क्यू का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते या स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, तो दोस्तों आप लिंक लिस्ट तो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर हमारा सिमिलर क्वेश्चन जो आता है इसके रिलेटेड वो है हमारा, व्हाट इज सर्कुलर क्यू? राइट द एल्गोरिदम फॉर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। देन 16th वन इज, जनरेट अ बाइनरी ट्री बाय ट्रावर्सिंग इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर सिक्वेंसेस गिवन बिलो। तो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर मैंने सिक्वेंसेस दे रखा है और आपको बाइनरी ट्री जनरेट करनी है। देन हमारा 17th क्वेश्चन है दोस्तों, चेंज द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, इसको पोस्टफिक्स में चेंज करना है, ये अभी इनफिक्स में है। फिर हमारा 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्टैक? एक्सप्लेन द वेरियस ऑपरेशंस ऑफ अ स्टैक विद एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑपरेशन। दैन सिमिलर क्वेश्चन ऑफ स्टैक इज दैट, वॉट राइट एन एल्गोरिदम टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग एरेज। यह एक और क्वेश्चन आता है स्टैक पे, वो है राइट एन एल्गोरिदम टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। द एल्गोरिदम शुड क्लियरली परफॉर्म पुश एंड पॉप ऑपरेशन। देन 19th क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर हीप शॉट एंड क्विक शॉट विद ईच अदर। देन 20th क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोसीजर टू क्रिएट इंसर्ट एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट। सो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे और इसमें सारे ही हमारे जो चैप्टर्स हैं ब्लॉक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट मोस्टली आप फोकस करिएगा कि आप लिंक लिस्ट कर पाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपका कम से कम 3 से 4 चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर एल्गोरिदम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। सो जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, दीज आर मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आई होप कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपके 70 अबव ईजली आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ आप लाइक करें। इफ़ यू हैव एनी क्वायरी देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, पुट योर कॉमेंट एंड आई विल रिप्लाई द कॉमेंट एज वेल। सो थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू सो मच।